हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आज फिर से चर्चा करने वाला हूँ विकास लाइफ केयर लिमिटेड पे। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, विकास लाइफ केयर लिमिटेड 29 मई 2024 1600 बजे का अपडेट है। 5 रुपये 3 पैसा शेयर प्राइस। विकास लाइफ केयर लिमिटेड में आज का ताज़ा खबर ढेर सारा है जो कि आपको दिख रहा होगा। 29 मई 2024 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यानी कि 2024 से 25, 2024 से 25 दोनों में है। वैसे ही आगे भी है अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। चौथा है ऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड ईयर इंडेड ऑन मार्च 31, 2024। पांचवा, बोर्ड मीटिंग आउटकम फॉर मीटिंग हेल्ड ऑन मई 29, 2024। छठा है कंप्लायंस रिगार्डिंग 24A एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, bseindia.com वेबसाइट का नाम है। इस पे बल्क डीलिंग लास्ट 23-1-2024 को ही हुआ है, जो कि बाय क्वांटिटी है 99,44,095 क्वांटिटी। रेट है 7 रुपये 40 पैसा पे। अभी चल रहा है इस शेयर का प्राइस 5 रुपये के इर्द गिर्द। तो सोच करके देख सकते हैं, कोई आदमी 7 रुपये 40 पैसे पे खरीदा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है इस शेयर में। ऐसा इस बल्क डीलिंग को देख करके समझा जा सकता है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। अब एक नज़र डिलीवरी पोजीशन पे। ट्रेड डेट 29 मई 2024 1600 बजे। क्वांटिटी ट्रेडेड 32,06,977। डिलीवरी क्वांटिटी 18,349। परसेंटेज रहा 56.14%। तो काफ़ी अच्छा है डिलीवरी परसेंटेज। देख सकते हैं पीयर ग्रुप में विकास लाइफ केयर लिमिटेड, रेडिंगटन, सिकाजेन, MSTCL TD, जी सब का बारी बारी से प्राइस है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड का है 5 रुपया 3 पैसा, रेडिंगटन का 198 रुपया 40 पैसा। तो इस तरीके से प्राइस वगैरह है, यानी कि इस कंपनी का किस कंपनी से या किस कंपनी के बराबर दर्जा दिया जा रहा है वो देख सकते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, screener.in वेबसाइट का नाम है और विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में शेयर प्राइस 5 रुपये 5 पैसा पे। मार्केट कैप 853 करोड़ का। करंट प्राइस 5 रुपये 5 पैसा। बुक वैल्यू 2 रुपया 45 पैसा। अपने बुक वैल्यू से 2 गुना से ऊपर में अब ट्रेड कर रही है ये शेयर। बाउंड वीक का हाई लो 8 रुपया और 2 रुपया 80 पैसा। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपया का है। ROC और ROE माइनस में है। 1 ईयर का प्राइस चार्ट देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि कंसोलिडेट मोड में है, बट रिजल्ट आने पर इस शेयर में अप ट्रेंड ही बनेगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इसका रिजल्ट बेहतर होगा पिछले क्वार्टर की अपेक्षा। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। इस कंपनी में प्रोज 3 और कॉन्स भी 3 है। प्रोज, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री।
debtor days have improved from 176 to 130 days. Company's working capital requirement have reduced from 178 days to 101 days. कौन सा? Company has low interest coverage ratio. दूसरा, promoter holding is low, 12.2% का है. और promoter holding has decreased over last 3 years. माइनस में कितना? तो 7.90%. एक नज़र इस शेयर के बैलेंस शीट पर ध्यान देंगे. सितंबर 2023 के अनुसार ही शो हो रहा है बैलेंस शीट. इक्विटी कैपिटल 144 करोड़ का, रिजर्व 208 करोड़ का, ब्रोइंग मात्र 26 करोड़ का. इसी कारण बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है. अदर लाइबिलिटीज 79 करोड़, टोटल लाइबिलिटी 457 करोड़ का हो चुका है. फिक्स एसेट 57 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ करके हो चुका है अभी 89 करोड़. अदर एसेट 310 करोड़ का, और टोटल एसेट 457 करोड़ का. शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बात देखने योग्य है कि प्रमोटर के पास में होल्डिंग बढ़ रही है. और जब भी किसी कंपनी के शेयर में अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाए, यानी कि प्रमोटर के पास में जो शेयर का परसेंटेज है वो अगर परसेंटेज बढ़ने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि उस शेयर में कुछ अच्छा ही होने वाला है भविष्य में. बाकी भविष्य को कोई जानता नहीं है, इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही. दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग अप्रैल 2024 के अनुसार 12.17% का हो चुका है, और FIH के पास में 4.08% का है, जो कि थोड़ा सा डाउन हुआ है FIH का होल्डिंग. और गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है, पब्लिक के पास में 83.73% है. नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो जहां पर दिसंबर 2021 में 282,960 था, वहीं पे अभी अप्रैल 2024 में 729,374 हो चुका है. नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का बढ़ना इसका मतलब है कि इन्वेस्टरों का इस शेयर के प्रति रुझान ज़्यादा ही हो रही है. और जिस शेयर के प्रति इन्वेस्टरों का रुझान हो, वो शेयर का फ्यूचर ब्राइट ही होना चाहिए. इस वेबसाइट पर इस शेयर का कुछ ही अपडेट न्यूज है, जो कि आज का डेट का ही है, 4 मिनट पहले का है फर्स्ट, दूसरा 8 मिनट पहले का, तीसरा 6 मिनट पहले का, 14 मिनट पहले, और इस तरीके से 23 मिनट पहले का भी है एक न्यूज, जो कि पीछे पढ़ चुका हूँ. उसी सब का विस्तार पूर्वक देख सकते हैं आगे. विकास लाइफ केयर लिमिटेड 29 मई 2024, जो कि आज के डेट का है अपडेट न्यूज है. आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन मई 29, 2024. तो विस्तार पूर्वक देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके. बाकी मैं ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी न्यूज है, तो थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में दिखलाऊंगा. इसको विस्तार से पढ़ने के बाद में ही समझ में आएगा कि इस शेयर में तत्काल में क्या चल रहा है. जब भी कोई न्यूज आवे किसी भी शेयर में, तो उसे पक्का ध्यान से देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए. तो यहाँ पर 31 मार्च 2024 का ऑडिटेड रिजल्ट है, जो कि आ चुका है हम लोगों के सामने. तो आप
बड़ी अच्छी तरीके से और गौर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें क्या कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ और फ्यूचर कैसा रह सकता है इस शेयर का। बाकी मैं शॉर्ट में बताने का कोशिश करूंगा, अभी इसका विस्तार नेक्स्ट वीडियो में पक्का चर्चा करूंगा। अभी ये 50% भी पेज पूरा नहीं हुआ है, न्यूज KSMC एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसके द्वारा यानी कि ऑडिट किया गया है। मुझे जो समझ में आता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में जानकारी इसको वीडियो को पॉज करके और पढ़ करके समझने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है बोलने में मिस्टेक हो, लेकिन जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही सही है। देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है विकास लाइफ केयर लिमिटेड, फॉर्मरली नॉन विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड, ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर इंडेड 31 मार्च 2024, 3 मंथ्स इंडेड 31 दिसंबर 2023 का है, 31 मार्च 2023 का है और 31 मार्च 2024 का है ऑडिटेड रिजल्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 31 मार्च 2024 का फिगर इन लैक्स में, मेरे आइडिया अनुसार रिजल्ट इसका अच्छा आया है इतनी छोटी सी कंपनी का। बाकी इस रिजल्ट के बदौलत नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में अप ट्रेंड ही बनेगी मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट का मेरा सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। विकास लाइफ केयर लिमिटेड 29 मई 2024 डिक्लेरेशन परसुआन टू रेगुलेशन 33(3)(d) ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। ये ऑडिटर कंपनी का नाम है KSMC एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स।
31 मार्च 2024 का रिजल्ट जो आया उसमें देख सकते हैं, 31 मार्च 2024 ऑडिटेड रिजल्ट। तो इसमें डिटेल में दूसरे दिन में पढ़ेंगे, बाकी अभी शॉर्ट में जान लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर 3 पैसा है। तो इतनी छोटी सी कंपनी के लिए जो कि अपना बिजनेस को अभी बढ़ा रहा है, ऐसे में रिजल्ट को पॉजिटिव में लेकर के आना यानी कि बहुत ही काबिले तारीफ़ है इस शेयर के लिए। बाकी समझने वाले समझ जाएंगे कि ये शेयर क्या चाल चलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सोच बूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही न्यूज। क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2023 का ही यहाँ पे शो हो रहा है screener.in वेबसाइट पे। बाकी रिजल्ट आ चुका है 31 मार्च 2024 का। तो नेक्स्ट डे अपडेट हो जाएगा इस जगह पे भी, ताकि शॉर्ट में समझने में काफ़ी बेहतर रहेगा। बाकी ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट डे इस शेयर में थोड़ा सा अप ट्रेंड बनेगी, फिर हो सकता है कि कुछ समय के लिए कंसोलिडेट मोड में जाए। बाकी फिर से याद दिला देता हूँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे शेयर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।